हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीननाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह उर्फ राम बंसल निकल चुके हैं अपने घरों से, पहुंचे अपने पार्क के अंदर, जहां हम उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने मोदी जी को क्षत्रिय घोषित कर दिया और कहा कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमि पूजन करके क्षत्रियों का गौरव बढ़ाया है। वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मणों पर बरसा, लेकिन कुछ गुप्त अस्त्र था उनका, कुछ कहने का अंदाज कुछ अलग था। कहीं ना कहीं वो बदले सुर में आ रहे थे, कहीं कांग्रेस की भाषा से कहें, कहीं राजीव गांधी, लेकिन मोदी जी की भी तारीफ करते हैं। क्या कुछ फेल होता नजर आ रहा है। हम जीत गए। कैसे हम जीत गए? हमारी लड़ाई थी कि ब्राह्मणवाद से, तो मोदी तो क्षत्रिय है, छत्री ने शिलान्यास कर दिया। अभी तो इस तरह के सारे छत्री बिछुड़े छत्रियों को मैं छत्री उसमें जोड़ रहे हैं ना। अभी अर्कवंशी, नागवंशी, वो खंगार और कोहली, इस तरह के बहुत सारे छत्रियों को मैं छत्रियों में जोड़ रहा हूँ। तो ये जो जिस से मोदी जी आ रहे हैं, ये भी छत्री हैं। इनको ब्राह्मणवाद ने ही दूसरी जाति में OBC बना करके छोड़ दिया, जिसकी हमारी लड़ाई थी कि लड़ाई तो ब्राह्मणवाद से है हमारी। लेकिन 15 सदस्यीय ट्रस्ट में 14 ब्राह्मण हैं। ट्रस्ट की लड़ाई तो अब हो जाएगी, ट्रस्ट की लड़ाई तो कहीं जाने वाली नहीं है। ट्रस्ट को हम लड़ लेंगे। अभी शिलान्यास में ब्राह्मण और मुस्लिम का हाथ न लगने पाए, मेरी प्रथम लड़ाई थी, वो मैं विजयी हुआ। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, क्षत्रिय अपने आप में धर्म है। हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रिय धर्म ने सनातन धर्म बनाया था और उसको ये विदेशी कुछ नकली ब्राह्मण बन करके, ये जो इजराइल से आए हुए हैं, वो टीका लगा करके यहाँ हिंदू चिल्ला रहे हैं ताकि सनातन धर्म मरे और हिंदू करके सबको ख़त्म करे। 1989 में उसी राम भक्त भारत रत्न राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, भूमि पूजन कराया, और उसी की पार्टी ने, नरसिम्हा राव जी ने, प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार ने 3.25 एकड़ से 70 एकड़ राम जन्मभूमि की ज़मीन बनाया। तो शिलान्यास तो पहले ही हो चुका है, उस राम भक्त ने, राजीव गांधी ने कर दिया था। तो अगर इन्होंने कर दिया, राममय हो गया, ये निर्विवाद हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री के छत्रित्व को मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समझा जाए कि जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास भी किया, तो उनके विरोध में राहुल जी का एक सिपा सलाहकार ने तो शिलान्यास होने से, भूमि पूजन होने से रोकने का याचिका भी दायर कर दिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल जी राजीव गांधी को नहीं मानते? नहीं, ये शिलान्यास, ये तो सड़क में घूमते घूमते कोई भी कह देता मैं कांग्रेसी हूँ। कोई वकील ने किया है ना? वकील किसी का होता है क्या? कोई पार्टी का होता है? वकील जब अदालत में जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, इसलिए उसको हम नहीं मानते। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आज सोशल मीडिया पे आप देखिए कि वो राम भक्त हैं कि नहीं हैं, राम भक्ति का शुभकामना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अरे यार, कीड़े मकोड़ों को क्यों बीच में मेरे ले आते हो? ये राम के वंशज हैं क्या? तो कह रहे हैं, हम हमेशा इसको मस्जिद। अरे ये उवैसी वगैरह गद्दार जो सनातनी थे ना, गद्दार, वही सब मुस्लिम बने थे, वही हमारे राजाओं से बगावत करके और अपना सब कुछ सौंप दिया जा करके मुगलों को, ये गद्दार सनातनी हैं। तब तो हिंदू था ही नहीं, हिंदू तो 1925 से चालू किया इन्होंने। और मैं प्रधानमंत्री को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ बार बार कि वो एक संत भी है, उसने एक तपस्या किया हिमालय में जा कर के गुफाओं में, वो इसीलिए हनुमान जी उसको बोला कि तुम सारा ये काम करो,
तो उसने कर दिया। हनुमान जी ने कहा है ब्राह्मणों का नाश करो, ब्राह्मणों का नाश कर दिया। अब रह गया ट्रस्ट, ट्रस्ट को तो हम इनको कभी भी छीन लेंगे। राजेंद्र सिंह अब कब पहुंचने वाले हैं अयोध्या? देखो अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर को भूमि पूजन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। वैसे तो खुदाई उदाई मैंने देखा नहीं है, टीवी में जो मैं देख रहा था तो खुदाई उसी मुहूर्त में होती है न्यू की, तो न्यू की खुदाई नहीं हुई। अब कहाँ उन्होंने शिलान्यास किया, हमने तो एक चद्दर में उड़ा रखा था उसको देखा। और अभी तो कई लोगों ने मुझको फ़ोन करके ये भी बताया कि भाई भारत जो वहाँ की नगर पालिका की तरफ से राम मंदिर का नक्शा ही नहीं पास कराया, तो ये तो सरकार जानेगी और ये जानेंगे। हमारा काम है कि उसमें बहुत जो इजराइली यहूदी कुछ ब्राह्मण बन करके गए हुए थे, उसके शुद्धिकरण के लिए हम दोबारा से जाएंगे 30 अक्टूबर में, और महान संतों को लेके जाएंगे जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं। तो दोबारा भूमि पूजन आप करने वाले हैं? शुद्धिकरण करेंगे वहाँ का, भूमि शुद्धिकरण जो अपवित्र हुई है थोड़ा सा, बाकी तो महात्मा था ही। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिमालय की तपस्या करने के बाद एक संत हो गया था।